हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं डीआईवाई क्लींजिंग मिल्क। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कोई भी मॉइस्चराइजर। अगर मॉइस्चराइजर आपके पास नहीं है तो आप बॉडी लोशन भी यूज कर सकते हो या फिर कोई भी आप बेबी लोशन यूज कर सकते हो। सेकंड, हमें चाहिए बेबी शैम्पू। ये बहुत ही माइल्ड एंड स्मूथ होता है, कोई भी हार्श इफेक्ट आपकी स्किन में नहीं डालता है, तो आपको लेना है बेबी शैम्पू। थर्ड, आपको लेना है ये गुलाब जल। आप कोई भी गुलाब जल यूज़ कर सकते हो, चाहे तो होममेड गुलाब जल भी आप बना सकते हो। तो चलिए कर लेते हैं हम इनको मिक्स। तो ये हमने ले लिया है बॉडी लोशन। इसमें हम मिक्स करेंगे बेबी शैम्पू। देख सकते हो आप, 1 चम्मच लिया है मैंने। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कितना आपको बनाना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अगर ज़्यादा ही पतला लग रहा है आपको ये, तो आप थोड़ा सा इसमें बॉडी लोशन और ऐड कर लोगे। तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। तो देख सकते हो आप, कुछ इस तरह से बन के ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसका डेमो कि ये अच्छे से क्लीन करता है कि नहीं। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे हम अपने हैंड पे। थोड़ा सा काजल अप्लाई कर लेंगे। तो काजल मैं यहाँ लगा लेती हूँ। देख लेते हैं डेमो इसका कि ये साफ करता है कि नहीं। तो और इसके बाद हम मिक्स कर लेंगे इसमें। आई शेडो तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक कॉटन। कॉटन पे ले लेते हैं हम इसको। तो देख सकते हो आप, हल्का हल्का पहले इसको स्प्रेड कर लेंगे।
देख सकते हो आप। तो देख सकते हो आप, मैंने एक स्वाइप कर रहे हैं, कितने अच्छे से क्लीन हो रहे हैं, सारा फाउंडेशन आ गया है हमारी कॉटन पे। और ये देख लेते हैं हम काजल। ये देख सकते हो आप, सारा हाथ मेरा क्लीन हो गया है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आप भी इसी तरह से क्लींजिंग मिल्क का यूज़ में ले सकते हो। आप मेकअप को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो, और मेकअप के पहले भी इसको यूज़ में ले सकते हो। और बॉयज़ एंड गर्ल्स कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होगा। तो देख सकते हो आप इसको। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप चाहे तो एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा एलोवेरा भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने ये बना के रखा हुआ है कुछ इस तरह से, और मैं इसी में ऐड कर लूँगी इसको भी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।